Subscribe Karo channel. अम्बियाए किराम और रसूल इज़ाम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अकायद की बातें जो हैं कल कुछ बयान हुई थी, जिनमें से ये बताया गया था कि नबी और रसूल कौन होते हैं, नबी और रसूल का चाल चलन, शक्ल सूरत, हसब व नसब उनका कैसा होता है। इन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क भी आपके सामने बयान किया गया था। उनमें से कुछ और चीज़ बता रहे हैं कि नबी के ताल्लुक़ से और क्या अकीदा होना चाहिए। बता रहे हैं कि नबी और फरिश्ता ये दोनों मासूम होते हैं, मासूम यानी उनसे यानी कोई गुनाह उनसे नहीं हो सकता। नबी और रसूल के सेवा जो भी हो, समझ में आना, उनको मासूम नहीं कह सकते और वो मासूम नहीं होते। हम आम तौर पर जो आम जुबान में बोल देते हैं, वैसे फुकहाए किराम ने सख्ती से मना किया है कि किसी को नबी और रसूल के अलावा जो है मासूम नहीं कहना चाहिए। हम छोटे बच्चों को मासूम कह देते हैं ना, अगरचे छोटे बच्चे से गुनाह नहीं हो सकता लेकिन गुनाह होना मुमकिन है, नहीं हुआ अलग से बात है। वैसे तो बहुत से औलिया किराम भी हैं जिनसे कोई गुनाह सज़द नहीं हुआ लेकिन हो जाए ये मुमकिन है। इसलिए नबी और फरिश्ता यही दो शख्स मुकद्दस हैं जिनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया ही है उनको, उनसे कोई गुनाह और कोई जो है नहीं हो सकता। तो आप बता रहे हैं कि नबी और फरिश्ता मासूम होता है यानी कोई गुनाह उनसे नहीं हो सकता। नबी और फरिश्ता के अलावा किसी इमाम वली को मासूम मानना गुमराही और बदमजहबी है। जैसे कि राफिजी लोग ये क्या कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ताल्लुक़ से कि वो मअज़ल्लाह जो है मासूम, वो तो क्या किया, उन लोगों का तो अकीदा यह है कि हज़रत अली जो है वो अम्बिया से भी नबी से भी जो है अफजल है। बस राफिजी का तो अकीदा यह है कि मअज़ल्लाह वो खुदा ही है। तो ये राफिजी जिसको हम अपनी ज़ुबान में शिया कहते हैं, उनको तो शिया कह नहीं ही चाहिए, ये गलत है। शिया के माना होता है वफादार, किसी के ऊपर मर मिटने वाला। तो हम जो इनको शिया कहते हैं ये गलत है, शिया नहीं था, राफिजी कहना चाहिए। राफिजी का मतलब असल में होता है मुमकिन इनकार करने वाला, वो अपने आप को शिया कहता है कि हम बहुत ज़्यादा वफादार हैं चाहने वाले, असल में वो राफिजी हैं यानी सबसे ज़्यादा वो मुमकिन हैं, समझ रहे, इनकार करने वाले। वो बता रहे हैं कि जो है कि नबी और फरिश्ता के अलावा कोई मासूम नहीं होता और किसी को, किसी इमाम को, किसी वली को मासूम मानना ये गुमराही और बदमजहबी है। अगरचे इमामों और बड़े बड़े वलियों से भी गुनाह नहीं होता, ये बात अलग है, गुनाह नहीं होता समझ, लेकिन कभी कोई गुनाह हो जाए तो शरअन मुहाल नहीं, लेकिन अम्बिया से और फरिश्ते से वो गुनाह हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने में नबी से भूल चूक नहीं हो सकती, ये मुहाल है। हमने बताया था एक मुहाल होता है एक मुमकिन होता है, मुमकिन कहते हैं कि कभी हो जाए और मुहाल कहते हैं कभी हो ही नहीं सकता। तो अम्बिया और से अल्लाह ताला का पैगाम लाने में जो है कभी भूल चूक नहीं हो सकती। अब अगर कोई माज़ल्ला कहना ये कह रहे हैं कि कोई माज़ल्ला ये कहे कि अम्बे अल्लाह की तरफ से बहुत सारे पैगाम ऐसे आए जिसको किसी नबी ने छुपा लिया, ऐसा अगर कोई गुमान रखता है, अकीदा रखता है, तो वो शख्स काफिर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि देखिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप का चचा था अबू जहल, सगा चचा था ना, उसकी शान में सूरह तबत यदा सूरह लहर नाज़िल हुई जिसमें पूरी मजम्मत है अबू लहर की। तो चचा थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कौन जान रहा था कि हज़रत जिब्रील ने अभी क्या लेकर के आए और क्या दिया। चाहते तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपा लेते, चचा की बात थी, घर की बात थी, लेकिन नबी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कहे कि कोई अल्लाह का पैगाम आए और उसको वो छुपा ले,
इसलिए बदमला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सामने पढ़ करके सुना दिया जो बदायब का पैगाम आया है तब्बत यदा अबी लहब कि अबू लहब के दोनों हाथ तबाह व बर्बाद हो गए। पूरी सूरत जो है उसकी मजम्मत में नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ लोगों का जो है ये कम वक्तों का या अकीदा है कि जो है जैसे वही राफिज़ी लोगों का या अकीदा है कि कुरान शरीफ 40 पारा नाज़िल हुआ था, 10 पारा जो है छुपा लिया गया, जो 10 पारा सिर्फ हज़रत अली के सामने था ये सब बकवास है। इसलिए ऐसा बोलने वाला वो किसी और पर नहीं डायरेक्ट अल्लाह तबार को ताला पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक में ये इरशाद पाक है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून कि कुरान को हमने ही नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जिसकी हिफाजत रब करे अब किसी में दम है जो कि जो है अल्लाह की हिफाजत से हटा करके उसको छुपा ले। इसीलिए कहते हैं कि कुरान पाक में अगर कोई शख्स एक हर्फ को भी अगर ज़्यादा या कम अगर तसव्वुर करता है मानता है कि इसमें कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है तो वो सब जो है काफिर है। क्यों? इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ले रखी है। उसी चीज़ को आगे बयान कर रहे हैं जो ये कहे कि कुछ अहकाम तकीयतन यानी लोगों के डर से किसी और वजह से नहीं पहुंचाया तो वो काफिर। आमतौर पर होता है ना बहुत सारे बेचारे जो ऊंचे ऊंचे पद पर होते हैं किसी भी पद पर ले लीजिए इमामत भी ले लीजिए तो हर इमाम जो है इतना बेबाक नहीं होता है कि आपकी गलती को देखे आपकी गलती को देखे आपकी गलती को देखे और बरमला वो बोलते हैं। इसलिए कि उससे जो है डर और खौफ होता है कि कोई फिर नौ फसाद बरपा ना हो जाए। समझ रहे बात? तो बहुत सारे इमाम ऐसे हैं अक्सर बेशतर जो खिलाफ़ शरा चीज़ देख करके भी जो है वो खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अम्बिया और रसूल के साथ नहीं है। कोई ये कहे कि चूंकि उस वक्त खाली कुफार थे अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हर पैगाम अगर जो है पहुंचा देते तो फिर जो है आपको नुकसान हो जाता आपको कोई मार देता आपका सब दुश्मन हो जाते। ये कह करके जो है कोई ये नहीं कह सकता है कि माज़ल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई पैगाम आया हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या देगा दूसरे अम्बिया ने जो है जद से जो है उस पैगाम को छुपा लिया और उसको बयान नहीं किया। तो यही बता रहे हैं कि अगर कोई ये कहे कि नबी अम्बिया कराम ने लोगों के डर से या किसी और वजह से जो है बास पैगाम जो है बंदों तक अल्लाह के नहीं पहुंचाया तो वो शख्स काफिर है। अम्बिया तमाम मखलूक से अफजल हैं, तमाम मखलूक से अफजल हैं अम्बिया। समझ रहे? यहाँ तक के उन फरिश्तों से भी अफजल हैं जो रसूल हैं। फरिश्तों में बास फरिश्ते वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत भी अता फरमाया तो उन फरिश्तों से भी अम्बिया किराम जो हैं वो अफजल हैं और देकर जितने भी मखलूकात हैं उन सब से जो है अफजल अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वली कितने ही बड़े मर्तबा वाला हो, ये भी अकीदा, वली कितने ही बड़े मर्तबे वाला हो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। अब अगर कोई वली को नबी से बढ़ा दे जैसे कभी वही राफिज़ी लोग हज़रत अली को नबी से बढ़ा कर के माज़ल्लाह वो तसव्वुर करता है कम वक़्त तक लिहाजा जो है वो नरा काफी होता है। तो वली कितने ही बड़े वाला मर्तबे का हो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफजल बताए वो शख्स काफिर है, ज़रा काफिर है। वरना ये अकीदा होना चाहिए तमाम अहले सुन्नत वल जमात वालों का। नबी की ताज़ीम फ़र्ज़ आयन है, नबी की ताज़ीम ये फ़र्ज़ आयन है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि तमाम फ़राइज़ की असल है। फ़र्ज़ आयन तो है ही है बल्कि जितने फ़राइज़ हैं उनकी असल है। अब उसको हम यूँ समझा सकते हैं जैसे कि नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ आयन है ना, फ़र्ज़ आयन है नमाज पढ़ना, ठीक है।